नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मन को हल्का रखना, शक्तिशाली मन ही हल्का रख सकता है। हरियाणा पुलिस पर्सोनल के लिए 7 दिवसीय राज्योग कार्यशाला, संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग का आयोजन, तनाव मुक्त रहने और कार्य दक्षता बढ़ाने का दिया प्रशिक्षण। दिल्ली स्थित एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय मुख्यालय में भी ऑनलाइन वर्कशॉप। बीके पीयूष ने तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन जीने के बताए तरीके। और आखिर में यूएन चर्च सेंटर और विश्व योग समुदाय द्वारा आयोजित हुआ ऑनलाइन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के गठन की 75वीं सालगिरह पर आयोजन, ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष निमंत्रण। हरियाणा पुलिस एकेडमी के पुलिस पर्सोनल्स के लिए संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा 7 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन हुआ। डिप्यूटी एसपी लक्ष्मी देवी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में 400 से अधिक लोग शामिल हुए, जिन्हें ब्रह्मा कुमारीज के सीनियर फैकल्टी ने राजयोग द्वारा तनाव मुक्त रहने और अपनी कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया। मन को हल्का रखना, शक्तिशाली मन ही हल्का रख सकता है। जो मन शक्तिशाली नहीं होता है उसको बोझ का अनुभव होता है, हैवी सर जो है भारी हो जाता है। तो ये भारीपन से हम कैसे मुक्त हो, उसके लिए ही ये सारी क्लासेस आपको बताई जा रही है। मेरे जीवन का तनाव का कारण है मेरा रिस्पॉन्स, मेरा प्रतिक्रिया। इन वास्तविकताएं और जीवन की रियलिटीज को मैं किस प्रकार से सामना कर रहा हूं, उस पर निर्भर करता है कि गिरीश भाई को तनाव है या तनाव मुक्त। विचारों के ऊपर थोड़ा सा अटेंशन रखें, इससे आपके मन मजबूत बनेगा, मन के अंदर ताकत बढ़ती है, मन की बैटरी चार्ज होती है। जितनी जितनी बार हम सकारात्मक सोचते हैं, अर्थात वैल्यू बेस्ड विचार क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर हमारी जो मन है उसका वातावरण बहुत अच्छा होता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो कि देश के हवाई अड्डों के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव का कार्य करने वाली भारत सरकार की कंपनी है, दिल्ली स्थित इसके राष्ट्रीय मुख्यालय में तनाव प्रबंधन विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष को विशेष आमंत्रित किया गया। आज हमारी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस क्यों आ गई है, क्योंकि वी हैव बिकम रोल कॉन्शियस, जिसको हम आजकल की मॉडर्न भाषा में कहते हैं वर्कहोलिक, बस काम काम काम। तो अच्छी बात है, काम तो करना ही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है आपके यहाँ, और अदरवाइज भी काम नहीं करेंगे, जो सरकार हमें सैलरी दे रही है जस्टिफाई नहीं करेंगे तो भी हमें खुशी नहीं होनी, तो वो तो हमें करना है। लेकिन ये हमें सदैव याद रखना है दोस्तों कि काम अलग है और मैं काम करने वाला अलग हूँ। इस संगोष्ठी में देश भर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की समाप्ति प्रश्नोत्तर के साथ हुई, प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। बिहार के आदापुर में नेपाल के वीरगंज के माध्यम से नए सेवा केंद्र का निर्माण किया गया, जिसके उद्घाटन अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में जग्गादाता चंद्र मोहन यादव, भवन निर्माण में सहयोगी समाज सेवी राजन जायसवाल, वीरगंज की प्रभारी बीके रवीना, उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूर्णिमा समेत कई विशिष्ट जनों की उपस्थिति रही। उद्घाटन के पश्चात अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह भवन शहर में शांति और सद्भाव फैलाने का कार्य करेगा, तो वहीं बीके बहनों ने भवन निर्माण में सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए राज्यों का नियमित अभ्यासी बनने का आग्रह भी किया। कार्यक्रम के अंत में सभी महानुभावों का शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस, इसे मनाने का मकसद लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम है फिर से बेहतर, मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। यह थीम कोविड-19 महामारी से पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर रखी गई है।
इसी के तहत ओडिशा के अस्का में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों में सीनियर अधिवक्ता सुधांशु पांडा, बीजेपी के युवा नेता नचिकेत स्वैन ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर आगे सेवा केंद्र प्रभारी बी के प्रवती ने वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पर विशेष जानकारी दी। अगली खबर गुजरात के सूरत की है। सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा हेल्दी सोल स्मार्ट गोल इस विषय के अंतर्गत विशेष बीटेक एवं एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन टॉक आयोजित की गई, जिसे संबोधित करने के लिए मुख्यालय माउंट आबू से अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके डॉक्टर सुनीता को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस टॉक में बीके डॉक्टर सुनीता ने किसी भी गोल को पाने के लिए मन बुद्धि का दृढ़ होना आवश्यक बताया, जिसका एकमात्र आधार है राजयोगा मेडिटेशन। योर इनसाइड इज द सोल, सो हियर इफ द सोल इज हेल्दी देन इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट गोल्स, इट विल हैव द पावर टू वर्क अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट, एंड इफ द सोल इज नॉट हेल्दी देन इट विल से यू नो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ कोरोना, because of so many restrictions, because of this, because of that, you know, I am not able to do it. अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र अपने गठन की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इसी के तहत यूएन चर्च सेंटर और विश्व योग समुदाय द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रह्मा कुमारीज की प्रतिनिधि बीके गायत्री एवं बीके सबिता ने अपने विचार रखे, साथ ही राजयोग की गहन अनुभूति भी कराई। I would like to draw on some of the beautiful words that are written in many of the declarations and constitutions and of course the charter of the UN. And I'd like for us to take it into not just our minds, but into the spiritual hearts of our souls and to really feel it at a spiritual, on a spiritual basis, in a spiritual context. What would these words mean if they were to be a spiritual awakening and a shift of consciousness in the United Nations? Helping everyone to awaken to the essence of who they are. Reminding them that we are all here together on this precious planet to work in harmony, to live in peace, unity, and with respect for each other. इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं में द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरपर्सन ऑड्रे कितागावा, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के लिए जाम्बिया के फॉर्मर एम्बेसडर इसाइया चबाला समेत कई प्रख्यात हस्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। We are one human family living on our only and one home of the earth. May we weave together our intertwining lives to tell the great stories of how we overcame our global challenges in the long march of history through the power of our love for each other. The occasion of the 75th anniversary, we need to salute and celebrate love. For the United Nations is an embodiment of love. The victory of love, compassion, caring and kindness over hate, oppression, exploitation. विदेश में दूसरी खबर यूके के लेस्टर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के हार्मनी हाउस की है, जहां ऑनलाइन सेशंस का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में विशेष सभी युवाओं के लिए आयोजित सेशंस में राजयोग प्रशिक्षक बी के आशीष ने होप इन और रेजिलियंट हार्ट्स एवं राजयोग प्रशिक्षक बी के प्रकाश ने ओवरकमिंग जेलेसी विषय पर दर्शकों को उद्बोधित किया।
जेलिसी, इस नकारात्मक भाव से कैसे हमारे संबंधों में दरार आती है और कठिन समय में हम कैसे अपने मन को शांत रखें, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। The noise of constant thought and what I need to do and how I need to fix it and you know why is it still happening, all of those questions, then actually we can't begin to really connect with our hearts in that moment. And having that space and silence gives us that first ability just to listen. And I feel this is where healing starts, is not creating thought or additional thoughts of how I can fix it, because that's ego. Ego only wants to fix, whereas the soul only wants to understand. We do look at jealousy as a feeling of hatred, of inadequacy, of something that is missing within me. And it does project a lot of ill feeling towards another person that we may be jealous of. So it's not something that is very nice. It's not very good. Although there could be a myth sometimes that jealousy, you know, the cause of jealousy could be love. I mean, because I love somebody so much, I am jealous. But that is not the case, because true love is unconditional and doesn't really have such an ill feeling attached to it at all. And we could continue loving without this tough and negative emotion. Boosting your confidence, इस टॉपिक पर USA के वॉशिंगटन DC स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा द नेक्स्ट नॉर्मल थीम के तहत ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया। इस सेशन में वॉशिंगटन DC में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन म्यूजियम्स की निदेशिका BK डॉक्टर जैना एवं वॉशिंगटन इंटरनेशनल पियानो आर्ट्स काउंसिल की अध्यक्षा पोटिया डेविडसन ने विषय के विविध पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही अंत में सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। I find that I'm not feeling completely secure because of confidence in what I have to do. Does that make sense? Yes, yes. Isn't that something? So if you were to look at confidence and faith, would you say that they're related or would you say that they're different? They're intertwined. I think, you know, it takes a village to build up confidence. It takes a family, your parents, your teachers, all play a role in the confidence focus. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।